हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमन इंस्टीट्यूट में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स के, यानी कि जो 12th क्लास की जो आपकी फिजिक्स है उसके 10 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, यानी कि जो पेपर में आपने ये कर लिया तो इनसे बाहर कोई आपका नहीं जाएगा। ये 90% आपके वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ आपको, तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है, जब बल्ब जल रहा हो तब उसका प्रतिरोध एवं उसमें बहने वाली धारा ज्ञात करनी है। तो आपको दिया क्या क्या है पहले तो वो लिख लेना है, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्या दिया है, ठीक है। तो देखिएगा, इसमें क्या दे रखा है, 100 वाट बोले तो ये उसकी शक्ति दे रखी है, पी पावर दे रखी है, कितनी, 100 वाट, ठीक है। ये ध्यान रख लेना है, जो भी चीज़ दिया है पहले सबसे पहले वो लिखिएगा। इतने वोल्ट यानी विभव दे रखा है उसका कितना है, 220 वोल्ट, ठीक है। और क्या दे रखा है, और वो जल रहा है तो उसमें बहने वाली धारा यानी प्रतिरोध ज्ञात करना है। एक तो आपको प्रतिरोध R बराबर ज्ञात करना है और एक I, एक धारा, ये दो चीज़ आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। आपको पता है कि जो P बराबर क्या होता है, फॉर्मूला P बराबर VI होता है, क्या होता है, P बराबर VI होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, P दे रखा है, V दे रखा है, तो यहाँ से I निकल जाएगा आसानी से, तो I निकाल लीजिए। I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा आपका P अपॉन V। तो P का मान कितना है, P का मान आपका 100 है और V का मान कितना है, 220 है। अब देखिएगा, इसको काट लीजिएगा तो ये कट के कितना आ जाएगा, ये 10 बट्टे आपका 22 आ जाएगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 पाँच बार कट जाएगा, 2 × 11 तो इतने एम्पियर की ये धारा आ गई आपकी। क्लियर हो गई बात, P बराबर वी आई, देखो वी दे पी दे रखा है और वी दे रखा है, कहाँ से आई का मान निकल आया, तो इतने एम्पियर की धारा निकल आई, ठीक है। पहला आंसर हो गया आपका। अब दूसरा क्या चाहिए, R, R बराबर चाहिए, ठीक है। तो R बराबर क्या होता है आपका, R R के लिए देखो, जब भी कभी भी ऐसा फॉर्मूला दे रखा है तो आपको R निकालोगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, R बराबर V स्क्वायर अपॉन P होता है, क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन P। ये कहाँ से आया, देखिएगा, आप जानते हो V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर, जैसे आपका देखिएगा यहाँ पे मैं आपका देखो V बराबर क्या आई आर होता है, आप ऐसे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V अपॉन I हो जाएगा। आप इस तरीके इस वाले फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं, इस वाले से भी लगा सकते हैं, ये दो फॉर्मूले हो गए, ठीक है। तो आप पहले इससे और इससे देखो, दोनों को कंफर्म कर देंगे। देखो V, V का मान कितना है, 220 वोल्ट है, तो 220 का स्क्वेयर करेंगे तो यानी 220 गुणा 220 हो जाएगा, और P, P का मान कितना है, यहाँ पर 100 है, 100 हो गया, तो 10 से 10 कट गई, 10 से 10 कट गई, तो ये कितना आ जाएगा, 22 × 22 आ जाएगा आपका, और 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है, ये इतने ओम ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बोलोगे सर हम तो इस फॉर्मूले से करना चाहेंगे, तो इससे भी कर लीजिए, वही आंसर आएगा आपका, इससे भी देख लीजिएगा, इससे कितना, V, V का मान कितना है, V का मान 200 इतना है, 220 वोल्ट, और I का मान अभी आपने निकाला था, I का मान कितना था, 5 बट्टे 11 था, समझ में आ गई बात। अब देखिएगा, 11 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है ये कितना हो जाएगा, ये 220 गुणा 11 बट्टे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से ये कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 × 20 5 × 20 44 बार, तो मतलब क्या है, 11 की गुणा इसमें करो, 11 × 44 = 4, 11 × 44 = 4 = 84, आपका सॉरी ये इतना आ जाएगा, 44 × 4 = 48 हो जाएगा, यानी कि 11 × 44 = 4 और फिर 11 × 4 में 11 × 44 = 4 = 48, ये हो जाएगा आपका इतने ओम। तो इससे मतलब आप चाहे तो इस फॉर्मूले से कर लीजिए, चाहे इस वाले से कर लीजिए, ठीक है, R बराबर V अपॉन I, आपको ये ज़्यादा ईजी रहेगा, इससे कर लेना आप, ठीक है। आई होप कि ये एक सवाल आपको समझ में आ गया है, ठीक है, क्लियर है बात। तो इस जो वीडियो में हमने जो सवाल लिए हैं ना, तो वो आपके कौन से वाले लिए, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है, यानी कि फिजिक्स का जो पार्ट वन है, पूरी पार्ट वन के पूरी किताब के जितने भी हैं, पार्ट वन की पूरी किताब के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं, ठीक है। पहला प्रश्न हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न करते हैं, देखिएगा दूसरा प्रश्न पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट है, कितना है, 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करनी है, यानी ऊर्जा में वृद्धि आपको ज्ञात करनी है। आपको क्या दे रखा है, एक संधारित्र सी, तो इसकी कितनी, सी बराबर कितना दे रखा है, 10 माइक्रो
फेराड इतना दे रखा है, ठीक है। 10 माइक्रोफेराड को फेराड में बदलेंगे तो 10 × 10⁻⁶, यानी कि माइक्रोन का मतलब -6, ये फेराड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें विभव दे रखा है, यानी कि V1 कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है, और V2 कितना दे रखा है आपका, 200 वोल्ट दे रखा है। समझ में आ गई बात, यानी कि दो चीज़ दे रखी हैं आपको, ठीक है। तो इस सवाल में आपको क्या है, ऊर्जा वृद्धि यानी कि डेल्टा यू ज्ञात करना है। तो सीधी सीधी बात है, यू यू बराबर क्या हो जाएगा आपको, मतलब आपका ऊर्जा, पहली ऊर्जा निकाल लीजिए, तो पहले ऊर्जा कितनी थी संधारित्र की, मान लीजिए पहली ऊर्जा के लिए लगाओ U1 बराबर 1/2 CV1 स्क्वेयर, ठीक है ना। वैसे फॉर्मूला क्या होता है, यू बराबर CV स्क्वेयर होता है, तो U1 की जगह C1 तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि सी तो एक ही दे रखा है, एक ही संधारित्र है, ये हो जाएगा। और U2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 CV2 स्क्वेयर, ठीक है ना। ये तो इन दोनों की ऊर्जा निकाल लो, इसमें से फिर इसको घटा देंगे, U2 - U1 से आपकी ऊर्जा में वृद्धि निकल जाएगी। तो पहले ऊर्जा कितनी थी, तो लिख दोगे पहले ऊर्जा, ठीक है, कितनी थी, इतनी U1 मान लिया हमने, तो 1/2 सी की जगह पर कितना है, 10 × 10⁻⁶, और वी वन का मान कितना है, 100 × 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिएगा 2 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है, 5 × 10⁻ देखिएगा, ये 10⁻⁶ है, और ये 4 और 2 और 2 4, ये हो जाएंगे 10⁻⁴ हो जाएंगे, क्योंकि ये 10 100 है, 100 100 की मल्टीप्लाई 100 में करोगे 10⁴ हो जाएंगे, ये हो गए। अब ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 5 × 10⁻², इतने जूल आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यानी U1 की मान कितना आ गया, इतना आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप U2 का निकाल लीजिए, U2 का कैसे निकलेगा, U2 का आपका भी ऐसे ही निकलेगा, 1/2 सी का मान तो वही है 10 × 10⁻⁶, ठीक है, और V2 का मान कितना है, 200, 200 × 200 हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा, U2 का मान आ जाएगा 5 × 10⁻⁶, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, देखो 2 और 2 4, 2 × 2 4, तो 4 × 10⁻⁴, क्योंकि 2 0 से 2 0 ये 2 0 है, तो 4 0 का मतलब 10⁻⁴, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और 4 × 5 = 20, तो U2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 × 10⁻² कितना हो जाएगा, -2, इतने जूल ये आ गया, क्लियर है बात। अब इन दोनों का अंतर चाहिए हमें, यानी कि ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, यानी पहले ऊर्जा इतनी थी और बाद में इतनी होगी, तो कितनी ऊर्जा वृद्धि हुई, तो ये घटा दीजिए। घटाएंगे कैसे, ऊर्जा में वृद्धि आप लिखोगे, ऊर्जा में वृद्धि यानी डेल्टा यू, तो U2 - U1, तो U2 की वैल्यू कितनी है, 20 × 10⁻², माइनस ये है 5 × 10⁻²। इसको घटाओगे, कैसे घटाओगे आप देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है, चलो मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, इसमें से 10⁻²² बाहर कॉमन ले लोगे, तो ये कितना बचेगा, 20 - 5, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15, तन 10⁻²² × 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा पॉइंट आगे बढ़ता है, तो यानी कि आपके इतना ही लिख दीजिए, 15 × 10⁻²², इतने जूल, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आप क्लियर हो गया बात, ठीक है। तो वीडियो को अभी के भी जो सवाल में समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना, और जो नए लोगों से खास रिक्वेस्ट है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, सब्सक्राइब अभी के अभी कर लेना, ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आ गया है, 3.2 वोल्ट की एक बैटरी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है, ठीक है, तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको क्या है, देखो जो दिया है पहले आप वो लिख लीजिए, तो कितने वोल्ट है, यानी कि वोल्ट बोले तो वी बराबर कितना दे रखा है, 3.2 वोल्ट, ठीक है, कितने ओम प्रतिरोध, R बराबर 1.5 ओम, ठीक है, और I बराबर कितना है, I बराबर है 2 एम्पियर, ठीक है। देखो यहाँ से पता चल जाती है, ये वोल्ट है तो वोल्ट विभव का मात्रक होता है V बराबर, ये ओम है तो ओम प्रतिरोध का मात्रक, दे भी रखा है तो R बराबर, 2 एम्पियर एम्पियर धारा का मात्रक है, तो ये धारा हो गई। आपसे पूछा क्या है, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R पूछा है, ठीक है, तो आप स्मॉल R पूछा है तो आपका फॉर्मूला क्या होता है स्मॉल आर, तो देखिएगा आपको फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं, इसका है, अब देखिएगा सूत्र, तो सूत्र ये सूत्र कौन सा होता है आपका, सूत्र ये होता है V बराबर I
आर प्लस स्मॉल आर, ये फॉर्मूला होता है ठीक है, धारा तथा आंतरिक प्रतिरोध और प्रतिरोध में संबंध से लिया है हमने ये सूत्र ठीक है। तो देखिएगा, तो वी बराबर आपका दे रखा है, वी बराबर कितना दे रखा है, वी बराबर दे रखा है 3.2 बराबर आई का मान आपको दे रखा है 2 गुणा आर का मान कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है प्लस स्मॉल आर का मान आपको निकालना है ठीक है। ये हो गया, तो 2 से ये कट जाएगा 1.6 बराबर 1.5 प्लस आर ठीक है। तो ये 1.6 माइनस ये कितना हो जाएगा 1.5 बराबर ये आर, यानी ये चीज़ में इधर ले आया। तो आप या फिर आप इस चीज़ को इधर लिख दे रहा हूँ मैं, तो एक 1.6 में से 1.5 गए तो कितना बचेगा 0.1 बराबर आर बचेगा, या आप लिख सकते हो आर बराबर 0.1, ये क्या हो जाएगा इतने ओम, यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है। समझ में आ गई बात ठीक है, तो आप ये सवाल कंप्लीट हो चुका है आपका ठीक है। अगले हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है देख लीजिएगा, चौथा सवाल आपका कह रहा है कि एक चालक में इतने एम्पियर की धारा, तो I बराबर कितना है 6.4 एम्पियर की धारा है, और इसमें चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यानी कि जो n बराबर है वो कितने हैं 8 × 10^24 इतने, और प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि जो एरिया इसका कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा, यानी प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन है इतने इलेक्ट्रॉन है, तो उसका अनुगमन वेग बोले तो VD पूछा है आपसे ठीक है। तो VD का फॉर्मूला क्या होता है, अनुगमन वेग का जो अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या होता है आप जानते हो, वी सर्फिक्सन में डी बराबर क्या होता था आई अपॉन ए एन ई, ये सूत्र होता था ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ठीक है। तो देखिएगा आई का मान कितना है, आई का मान है 6.4 है, ए का मान 1 है गुणा एन का मान कितना है 8 × 10^24 है, और ई का मान आप जानते हो ई क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10^-19, ये रट लेना है आपको ठीक है। तो ये हो गया, अब आपका बस इसको सॉल्यूशन करना रह गया है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट से ये पॉइंट कट गया ठीक है, अब ये ऊपर 64 बचा नीचे 16 बचा ठीक है, तो ये कितने बार आप लिख दीजिए, पहले ये 64 हो गया नीचे आपका 8 बचा 8 × 10^24, पहले इसको 16 को लिख देंगे हम, और फिर देखिएगा 24 में से 19 गए तो कितने बचेंगे, आपको दिखाई दे रहा है ये 24 है और ये 19 है तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे आपके 10^ ये 5 वो भी प्लस के ठीक है। अब देखिएगा आपको 16 चौक 64 चार बार कट गया और 4 से ये कट गया 2 बार, तो अब ये कुछ समीकरण इस तरीके से आपको नज़र पड़ेगी, और 10^5 को ऊपर ले जाइए 10^-5 बट्टे नीचे आ जाएगा 2, या आप इसको लिख सकते हो 1 × 10^-5 बट्टे 2, और 2 का फिर इसमें भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 0.5 × 10^-5 ठीक है। और फिर देखिएगा एक पॉइंट को आगे पॉइंट से पहले कभी जीरो नहीं रखते हैं फिजिक्स में, तो आप पॉइंट को आगे ले जाओगे तो 5 × 10^-6 यानी कि पॉइंट को मैं आगे ले गया इसको, तो यहाँ पे एक घात और बढ़ गई माइनस की, तो ये कितना हो गया VD है, तो इतना क्या आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड, या अनुगमन वेग का जो वो होता है मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, ये वेग होता है ठीक है। तो ये आपका आंसर हो चुका है ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं पाँचवें सवाल की ओर। पाँचवें सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा पांचवा सवाल है आपका कि एक सीधे लंबे तार से 2.0 सेंटीमीटर, यानी आर बराबर कितना है 2.0 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10^-2 मीटर कर देंगे ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए ठीक है, 0.0 का मतलब तो 2 ही है। अब देखिएगा इसमें इतने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोले तो बी बराबर कितना दे रखा है 10^-6 ये टेस्ला दे रखा है ठीक है। तो इस तार में वैद्युत धारा की गणना करनी है, यानी कि आई बराबर ज्ञात करना है आपको ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है देखो ध्यान से समझ लेना, सीधे लंबे तार के कारण जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला म्यू जीरो अपॉन टू पाई इंटू आई अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है ठीक है, ये एक सीधे लंबे तार के कारण होता है ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है आपको ठीक है। तो अब हमारे इतने का जो मान होता है वो आपका होता है 2 × 10^-7 ठीक है, बी का मान आपको दे रखा है कितना 10^-6 गुणा आई का मान कितना दे रखा है, ये निकालना है आई का मान, और आर का मान आपको दे रखा है 2 × 10^-2 ठीक है। तो देख लीजिएगा अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 2 से तो 2 कट गया,
10 की पावर माइनस 2 से 10 की पावर माइनस 2 कट जाएंगे, तो ये कितना 10 की पावर माइनस 6 बराबर, इससे ये कट जाएगा 10 की पावर ऊपर कितना बचेंगे माइनस 5 बचेंगे गुणा आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 बट्टे 10 की पावर माइनस 5, यानी कि ये जो था ये नीचे चला जाएगा बट्टे में, ये आ गया। तो इसकी 5 से 5 फिर कट जाएंगे, 10 की पावर माइनस 1 बचेगा, और माइनस 1 को कितना लिख सकते हो 0.1 लिख सकते हो, इतने एम्पियर ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप कि ये आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्न परिपथ में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, परिपथ में बहने वाली धारा भी ज्ञात करनी है। तो ये परिपथ दे रखा है, चित्र बना रखा है। ठीक है, तो आपको कभी इसमें ये भी दे दे ना, अंदर भी कुछ भी दे दे आपका कोई प्रतिरोध, यानी मान लीजिए 5 ओम, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर वाले से कोई मतलब नहीं रहता है आपका। ठीक है, या दे या ना दे, फिर भी दे रखा है तो भी आपको नहीं उसका काउंट करोगे सवाल में। ठीक है, तो आपका देखिए ये, अब मान लीजिए कि ये आपका R1 मान लीजिए, ये R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए, R4 मान लीजिए। ठीक है, तो आप इस सवाल में तुल्य प्रतिरोध निकालोगे, तो जब भी कभी भी इस तरीके का परिपथ आ जाए तो इनको तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, इनको डायरेक्ट जोड़ दिए, फिर इन दोनों को बट्टे में करके जोड़ दीजिए। जैसे कि R1 आप लिखोगे, R1 व R2 ये श्रेणी क्रम में माने जाते हैं। कैसे जाने माने जाते हैं, श्रेणी क्रम में। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो R हो जाएगा, इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 15 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा। क्लियर है बात। इसी तरीके से R3 व कौन सा है आपका R4, ये भी श्रेणी क्रम में माने जाते हैं, तो इनका भी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इनका तुल्य प्रतिरोध आपका R, तो देखिए R तो पहले ही लिख दिया, इसलिए मैं इसको R- लिख दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा R3 + R4, तो R3 का मान कितना है 30 है प्लस, और ये कितना है 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 36 ओम हो जाएगा। समझ में आती बात। अब आपका देखना जरा, ऊपर वाले का ऊपर इन दोनों का आया है कितना 18, और नीचे वाले दोनों का आया है 36। अब ये दोनों समांतर क्रम में माने जाएंगे, तो अब लिख दोगे, अब R व R- कैसे हैं समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, तब इनका जो तुल्य प्रतिरोध माना जाएगा वो करोगे 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2, तो R भी आ गया, R- भी आ गया, तो यहाँ पर डबल 2- लगा दूंगा, यहाँ पे R1 की जगह पे R है, और दूसरा प्रतिरोध कितना R- है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, देखिएगा आप आगे यहीं पे बढ़ा दे रहा हूँ, 1/R" बराबर हो जाएगा आपका, देखिए R1 का जो मान है वो कितना है 18 है, और ये 1/36 है। इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, 36 आपका एलसीएम ले लोगे, तो 18 × 36 2 प्लस, और ये 18 × 18 मतलब 18 × 36 और 36 × 36, तो ये कितना हो जाएगा 3/36 हो जाएगा। ठीक है, और 3 से ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आप दिखाई देगा 1/3 × 3 और 3 × 2 = 6 आ जाएगा। तो ये आपको कुछ इस तरीके का नज़र पड़ेगा, आप देख लीजिएगा कि 1/R" बराबर 1/12 है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R इसको भी उलट देंगे, इसको भी उलट देंगे, तो R" बराबर हो जाएगा 12 ओम। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर हो चुका है एक। ठीक है, अब इसमें एक धारा और पूछी थी, ये धारा बहने वाली धारा, तो धारा कैसे निकलेगी, धारा निकालने के लिए आपका V बराबर क्या होता है IR होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। ठीक है, तो V का मान दे रखा है, देखो ये चित्र में दे रखा था, देखो ये रहा V, ये 9 वोल्ट की जो बैटरी है ये V है, तो V का मान कितना है 9, और R का मान कितना आया 18। 18 में देखना इसको भाग कर दीजिए, तो 18 का तो नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 18 × 5 = 90, सीधी सीधी बात है, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1/2 को कितना बोलते हैं आप 0.5 बोलते हैं, ये इतने एम्पियर की ये धारा आ जाएगी, इतने एम्पियर इसमें लिख देना है। ठीक है, तो आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आपका वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आपको मैं इतना ही करा दूं, अगली वीडियो में इससे और ज़्यादा करा देंगे। ठीक है ना, आपका 7, 8, 9, 10 हम प्रश्न अगली वाली वीडियो में करा देंगे, क्योंकि देखिएगा चलो करा ही दे रहे हैं हम। ठीक है, तो देखिएगा अब सातवें प्रश्न की ओर आ जाते हैं। सातवें प्रश्न क्या है, क्या कह रहा है कि एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2 × 10^1 है, ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, ऊर्ध्वाधर होता है वर्टेक्स, तो V बराबर कितना दे रखा है, ये वर्टेक्स होता है 0.2 × 10^√3 × 10⁻¹⁴ इतने टेस्ला। ठीक है, और इसमें एक दे रखा है नति अथवा नमन कोण, थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 अंश दे रखा है, और चुंबकीय क्षेत्र की
का क्षैतिज घटक पूछा, यानी एच बराबर आपसे पूछा है। एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, वी अपॉन एच, क्या होता है वी अपॉन एच। तो देखिएगा अब इसी फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाएंगे तो देख लीजिए यहाँ पर टेन थीटा, टेन और 30 की वैल्यू बराबर वी का मान कितना दे रखा है 0.2 अंडर रूट 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4, एच नीचे लगा दिया। ठीक है तो अब देखिएगा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे हम, तो इधर देखिए कितना आ जाएगा, टेन 30 का मान कितना है, टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ये कितना हो जाएगा 0.2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4, ठीक है बट्टे ये एच हो जाएगा, एच इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणा 0.2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ठीक है और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए अंडर रूट 3 की अंडर रूट 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा गुणा ये 0.2 है गुणा 10 की पावर ये माइनस 4 है और 3 × 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 0.6 गुणा 10 की पावर माइनस 4 ये क्या हो जाएगा आपका इतने टेस्ला। ठीक है ना टेस्ला ये आपका मात्रक हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है अब हम बात कर लेते हैं सातवें प्रश्न की, सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, आठवां प्रश्न देखिएगा, आठवां प्रश्न कह रहा है कि एक कुंडली में 100 फेरों वाली एक कुंडली में, 100 नहीं 1000 है, 1000 फेरों, तो यानी कि n बराबर क्या है आपके 1000 फेरे हैं और I बराबर कितना है 2.5 एम्पेयर की इसमें धारा बह रही है और इसमें चुंबकीय फ्लक्स यानी कि इतने वेबर प्रति, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स को फाई कितना दे रखा है 1.4 गुणा 10 की पावर माइनस 4 इतने वेबर दे रखा है। ठीक है चलो मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में वेबर। ठीक है कुंडली का प्रेरकत्व बोले तो L पूछा स्वयं प्रेरकत्व जो होता है। ठीक है तो ये फॉर्मूला क्या होता था आपने देखा होगा कि एल आई बराबर एन फाई ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है तो यहाँ से आपका L का मान क्या हो जाएगा L बराबर हो जाएगा एन फाई बट्टे आई और N का मान कितना है 1000 है गुणा फाई का मान कितना है 1.4 गुणा 10 की पावर माइनस 4 है बट्टे आई का मान कितना है 2.5 है। ठीक है देखिएगा पॉइंट से ये पॉइंट कट गया 25 × 100 यानी कि 200 कट गया एक जीरो आ जाएगी यानी 40 बार कट जाएगा। ठीक है 40 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा तो देखिएगा 14 की जीरो को जीरो और 14 × 14 = 28 × 56 यानी कि 560 गुणा 10 की पावर कितना जाएगा माइनस 4 या आप इसको और सॉल्व करोगे पॉइंट यहाँ पर है एक दो अंक और आगे आएगा तो 5.6 गुणा 10 की पावर माइनस 2 इतने और इसका मात्रक क्या हो जाएगा हेनरी ये आपका ये आंसर हो गया। ठीक है क्लियर है बात। ठीक है वीडियो यदि पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख लीजिएगा ये नौवां प्रश्न है और एक लास्ट रह जाएगा दसवां। ठीक है ना तो नौवां प्रश्न क्या कह रहा है एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो समीकरण है वो कितना दे रखा है V बराबर 1002 साइन 1000 पाई टी। ठीक है तो वर्ग माध्य मूलमान और आवृत्ति चाहिए। तो वर्ग माध्य मूलमान क्या होता है जो आपका वर्ग माध्य जो मूलमान होता है वो वी आर एम एस होता है वो चाहिए आपको एक आवृत्ति यानी एफ बराबर चाहिए। ठीक है सॉरी एन बराबर बोल दो एफ बराबर बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना तो अब देखिए फ्रीक्वेंसी जो होती है तो यहाँ पे इस समीकरण की इस समीकरण से तुलना करो इसकी समीकरण क्या होती है जनरल समीकरण ये होती है साइन ओमेगा टी। ठीक है इससे तुलना करो। ठीक है तो तुलना करने पर क्या हो जाएगी तुलना करने पर आपको मिलेगा कि वी जीरो बराबर वी जीरो की जगह पर क्या है ये पूरा है 100√2। ठीक है और ओमेगा की जगह पे क्या है टी को छोड़ दीजिए तो बाकी ये ओमेगा है 100 पाई ये क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। ठीक है तो अब आपको दिखाई दे रहा है वी आर एम एस की वैल्यू कितनी वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है वी जीरो बट्टे अंडर उड 2। तो वी जीरो की वैल्यू कितनी है 100√2 बट्टे अंडर उड 2 तो अंडर उड 2 से अंडर उड 2 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। एक आंसर तो ये हो चुका है आपका ये हो गया। ठीक है क्लियर है बात। अब ये ओमेगा चाहिए तो एफ बराबर क्या होता है फॉर्मूला एफ बराबर 1/आवर्तकाल आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। ठीक है 1/आवर्तकाल और आवर्तकाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला यानी काल हो गया और आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा बट्टे 2 पाई होता है
2π ऊपर चला जाएगा, तो 2π बट्टे ओमेगा ये हो जाएगा फॉर्मूला। और 2π की वैल्यू तो 2π रहेगी, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 100π है। ठीक है, 100π, पाई से पाई कट गया, तो कितना आ जाएगा, एफ बराबर आपका फॉर्मूला आ जाएगा, ये 2 से ये कट जाएगा, तो 1/50 आ जाएगा। ठीक है ना, आप चाहो तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पर 100 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.02। ठीक है ना, इतने इतने हर्ट्ज आ जाएगा, हर्ट्ज जो बोलते हो आप, ये आपकी आवृत्ति का फॉर्मूला मात्रक हो गया। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लास्ट इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, ये देख लीजिएगा। 10 देखिएगा इसमें, ये अब आपका 10वां सवाल आ जाता है। 10वां सवाल क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम प्रतिरोध, यानी आर बराबर कितना है, 8 ओम है, और इसमें 6 ओम प्रतिघात के प्रेरकत्व, यानी प्रेरकत्व का जो प्रतिघात होता है उसको XL बोलते हैं, और जो धारितीय प्रतिघात होता है उसको XC बोलते हैं। तो XL का मान कितना दे रखा है, 6 ओम दे रखा है। जुड़ा है तो प्रतिबाधा पूछे, यानी कि जेड बराबर पूछा है फॉर्मूला। तो जेड बराबर जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट में आपका XL² + R² ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसका XL का मतलब इसका मान कितना है, 6² + 8² तो 6² कितना हो जाएगा, 36 + 8² = 64। तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका जेड बराबर कितना आ गया, 10, और 10 इसका ही मात्रा आपका क्या रहेगा, ओम रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, हर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना, जो नए लोग हैं वो उनसे खास रिक्वेस्ट है हमारी, को चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।